सड़क चौड़ीकरण को लेकर हुए विवाद के बाद अब दुर्ग बस स्टैंड के हनुमान मंदिर को नहीं हटाए जाने की खुशी में युवा मोर्चा करेगा मंदिर का रंग रोगन। सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद में आए दुर्ग बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से मंदिर को नहीं हटाए जाने को लेकर भाजपा व अन्य संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जिसे लेकर सनातन प्रेमी लगातार मंदिर बचाओ अभियान भी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला द्वारा भी मंदिर बचाओ अभियान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 23 मार्च को भारतीय जनता पार्टी दुर्ग शहर द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ लोक निर्माण विभाग का वृहद रूप से घेराव भी किया गया, जिसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ने आश्वस्त किया है कि उक्त मंदिर को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर नहीं तोड़ा जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन को सफल मानते हुए इसे धर्म की जीत बताते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंदिर को रंग रोगन करने की जिम्मेदारी उठाई। युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहू ने कहा है कि मंदिर बचाओ आंदोलन सभी के सहयोग से सफल हुआ है। विभिन्न संगठन मंदिर बचाने कई माह से प्रशासन के खिलाफ जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि विकास के नाम पर धर्म का अपमान सनातन प्रेमी कदापि नहीं सहेंगे। दुर्ग बस स्टैंड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर, जो विगत कई सौ सालों से वहाँ पे स्थित है, जिसे प्रशासन विकास और चौड़ीकरण के नाम से तोड़ने का प्रयास करी थी, जिसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न संगठन लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी उक्त मंदिर को बचाने के लिए कुछ माह वर्ष एक हस्ताक्षर अभियान चलाई थी, जिसे जनता का और लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। लोगों की मंशा थी कि उक्त मंदिर को नहीं तोड़ा जाए, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी 23 मार्च को एक व्यापक धरना प्रदर्शन करी। साथ ही लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता के दफ्तर का घेराव किया गया। दफ्तर के घेराव में कार्यपालन अभियंता ने बताया कि उक्त मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, जिसे हम समस्त सनातन प्रेमियों की जीत मानते हैं, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता युवा मोर्चा उक्त मंदिर को आज रंग रोगन करने के लिए शपथबद्ध हुआ है। और हम यह मानते हैं कि हिंदू आस्था के खिलाफ अगर कोई शासन हो या प्रशासन जाएगा, जिसके लिए हम सड़क की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। बहरहाल जन आक्रोश के सामने प्रशासन को झुकना ही पड़ा और आगे भी धर्म के नाम पर किसी को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।